कश्मीर में मेवा सनत को फरोग देने के लिए हाई डेंसिटी को मुतारफ कराने के बाद अब मेवा काश्तकार सेब की बेहतर ग्रेडिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। पुलवामा में अपनी नौयत के पहली ग्रेडिंग मशीन को काश्तकारों ने मेवा बागात में ही इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। मेवा बागात में ही सेब की बेहतर ग्रेडिंग में पैकिंग अमल में लाई जाती है। दुर्गाम में पहली बार जदीद नौयत की ग्रेडिंग मेवा काश्तकारों ने शुरू कर दी है। इससे बेहतर मार्केटिंग की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो लेबर चैलेंज एक बड़ा चैलेंज है, इसमें लेबर बहुत कम लगता है, एक आदमी डालने में लगता है और बाकी सब इसके जो है सामने पैकर बैठते हैं, तो इसमें खर्चा भी बहुत कम लगता है। तीसरी बात यह है कि जब वो इसमें ग्रेडिंग होती है और शाइनिंग आती है, उसमें जो है क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है। नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, हर चीज़ मैकेनाइज करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लेबर प्रॉब्लम है। और जब तक हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाएंगे, न्यू टेक्निक के साथ नहीं जाएंगे, तब तक हमें ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं। अचल वालों ने भी जब वो है वो घास वाली वाली पेटी उसको भी बाहर फेंक दिया, तो हमें भी कुछ करना है कि ताकि नया प्रोडक्ट है, नए प्रेजेंटेशन के साथ उसको मार्केट में हम लाएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोडक्ट जो है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी हिमाचल से हो रही है, मगर ताकि हम कुछ अपने हिस्से से जो भी है हम कुछ करें, तो और उसमें तो ये चीज़ भी है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्जा ने